आज से ठीक 3 महीने पहले किंग ने अपने इंस्टाग्राम पे एक नए एल्बम का पोस्टर रिलीज किया एंड मैंने भी उसको देखा एंड मुझे लगा कि चलो इतने सारे रैपर्स के एल्बम आ रहे इनका भी आ गया। बट यही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस एल्बम को किसी दूसरे रैपर के एल्बम जैसा समझा। बट आज 3 महीने बाद आप लोग जानते ही हो कि इस एल्बम ने क्या तहलका मचाया एंड कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। किंग के नए एल्बम कार्निवल पे आज के तारीख के हिसाब से 1,28,00,000 व्यूज है। सो वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ इनसाइड द माइंड एंड आज हम लोग बात करने वाले कि क्यों किंग का नया एल्बम द कार्निवल इतना सक्सेसफुल रहा। वेल, किंग के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि ये एल्बम दूसरे रैपर्स के एल्बम से काफ़ी डिफरेंट था। इसका स्टाइल काफ़ी यूनिक था, इसलिए उस महीने बहुत सारे एल्बम्स आए बट कोई भी टक्कर नहीं दे पाया किंग को, बिकॉज उसने काफ़ी सही मार्केटिंग की थी इस एल्बम की। उसने एल्बम की स्टोरी लाइन ही ऐसा बना दिया जो इंडिया ने आज तक देखी नहीं होगी। तो इससे एक पॉइंट तो साबित हो जाता है कि उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑडियंस को बता दिया कि उसका प्रोडक्ट दूसरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए लोग भी उनका कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मजबूर हो गए। उसके गाने में एक अलग वाइब रहता था, उसके हर गाने पिछले गाने से अलग होते थे, तो हम समझ ही सकते हैं कि किंग कितना वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। तो किंग से हम यही सीखते हैं कि अगर आपके कंटेंट में दम है एंड अगर आपको आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आपका कंटेंट दूसरों से बेहतर है, तो आप सही टाइम पे सही तरह से मार्केटिंग करके सक्सेस जरूर हासिल कर सकते हो। एकदम सच बताना, जब आपको पता चला कि किंग के एल्बम के सारे सॉन्ग्स आपस में कनेक्टेड है तो आपकी एक्साइटमेंट जरूर डबल हो गई होगी। हर सॉन्ग से पहले विश्वास करो बहुत हाइप क्रिएट होती थी, हर वीडियो में ट्विस्ट आता था एंड हर सॉन्ग का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता था उसके पिछले सॉन्ग से। सो ये जो एक हाइप क्रिएट हुई उससे किंग के 6 सॉन्ग्स ट्रेंडिंग पर आ गए एंड ऑल्सो ह्यूज शाउट आउट टू द बीट प्रोड्यूसर्स मैन, उनके बिना ये एल्बम अधूरा होता। और जो सिनेमाटोग्राफी थी इस एल्बम की वो भी काफ़ी बढ़िया थी। सो शाउट आउट टू माइकी एंड जिसने भी ये एल्बम की डायरेक्शन की है उसको भी शाउट आउट। एंड जो क्वालिटी था वीडियो का एज अ सिनेमाटोग्राफर माई सेल्फ, मैं देख के पागल हो गया। एंड वो लोग सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर शूट करते थे ये वीडियो पूरा। एंड हाँ, सॉन्ग्स के बीच में 10 दिन गैप रहता था जिससे वीडियो को ब्रीदिंग स्पेस मिलती थी। अब उन 10 दिन में जो हाइप क्रिएट होती थी उसका रिजल्ट तो आप लोग को अगले सॉन्ग के रिलीज होते ही मिल जाता था। तो 3 दिन में 1 मिलियन व्यूज तो आसानी से पार कर देते थे किंग। तो इससे हम यही सीख सकते हैं कि अगर आपके पास किसी फील्ड में फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है तो आप लोग अपने कंटेंट को नए वे में प्रेजेंट कर सकते हो एंड कुछ टेक्निक्स के द्वारा आप भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। ओके, सो मार्केटिंग बहुत तरीके के होते हैं बट सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी के टाइम पे बहुत पॉपुलर है और किंग ने सोशल मीडिया के सहारे ही अपना एल्बम प्रमोट किया। अपने हर गाने के लास्ट में उसने अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट किया एंड इंस्टा पे उसके बाद उसने करीब 60,000 फॉलोअर्स गेन करे एंड वहाँ भी लोग उनके गाने शेयर करने लगे। एंड इस एल्बम के प्रमोशन में किंग ने एक भी पैसा नहीं लगाया है अकॉर्डिंग टू मी। जितना भी व्यूज आया है सब ऑर्गेनिक है क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग, यहाँ जनता चाहेगी तो किसी भी चीज़ को हिट बना सकती है। एंड किंग के कॉन्फिडेंस को भी मेरा सलाम है। उस बंदे ने एल्बम रिलीज होने से पहले एक पोस्ट डाल दिया कि इट्स द September 1st एंड वी हैव मेड इट। उसने इंस्टाग्राम के थ्रू अपने सारे गाने को प्रमोट किया एंड आज आप लोग देख ही सकते हो एल्बम एक हिट है। और देखने से भी अच्छा लगता है कि ये बंदा कहां से कहां आ गया। मुझे आज भी याद है कि जब MTV हसल में ये बंदा ऑडिशन देने आया था तो मैं और मेरे फ्रेंड्स स्कूल में डिस्कस कर रहे थे कि किंग ही जीतेगा क्योंकि इसको गाना भी आता है और रैप करना भी। खैर वो तो नहीं हुआ लेकिन वी कांट डिनाई द फैक्ट कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से किंग सबसे आगे है आज। किंग के एल्बम द कार्निवल को मैं देता हूँ 8 out of 10। मेरा फेवरेट सॉन्ग इस एल्बम में से है आइकॉनिक, मैं उसको लूप पे सुनता हूँ। बट इस एल्बम की मिक्सिंग मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी। लाइक माफिया जो सॉन्ग था उसमें मिक्स मास्टर और बेहतर हो सकती थी क्योंकि उसमें आवाज़ थोड़ी सी फट रही थी। एनीवेज, अगर आपने अभी तक किंग का नया एल्बम चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और देखो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना और इंस्टा पे मेरे को फॉलो करना मत भूलना। वहां पर इस वीडियो को शेयर करके किंग भाई और मेरे को टैग करना मत भूलना। मेरा आईडी है @glocus और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और जो बगल में घंटा है उसको भी दबा दो। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।